पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, आपको इस प्रोसेस का पता नहीं। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया भगवान ने। दास आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितनी रुचि भगवान की बढ़ रही है, और दास को यह भी पता है कि परमात्मा आपके ऊपर कैसे रजा बख्श रहे हैं। दास को यह भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं हैं। आम आत्मा तो वो हैं जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में, प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में, किसी देश में जन्मे हैं जहां नास्तिकवाद ही प्रधान है, तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहां बार बार क्यों बुलाया जाता है? जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है, और न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। ठीक इसी प्रकार दास को मालूम है, परमात्मा ने ये एक नई यूनिवर्सिटी खोली है, और यही साथ के साथ एक मेडिकल भी है। तो इसमें इस आत्मा के दोनों रोग कटेंगे, एक तो जन्म और मृत्यु का, दूसरा जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे, और फिर आप आगे भक्ति भी करोगे, डर के भी रहोगे, आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं फिर से ये नाम खंडित हो गया और भगवान की रजा मेरे सिर से हट गई तो वही संकट फिर से घेर लेगा। और भय बिन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता, और वो अपना हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है, औरों को भी सतर्क करता है कि सर्प है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा। तो ये ज्ञान आपको यहां कराया जाएगा, आपकी बुद्धि मैच्योर होगी, युवा होगी, और फिर डर लगा करेगा प्रत्येक पदार्थ से। रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सयाने हो जाओगे, मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई, और सभी खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती है।
परमात्मा कहते हैं होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तने जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए तने सारा जीवन नष्ट कर दिया, ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है, और तेरे साथ की और भी बहुत जा चुकी हैं, तूने भी जाना ही होगा, इसलिए वहां जाने से पहले अपनी तैयारी कर। अब जब तक लड़की यानी लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन यहां परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की। ये कौर कौर में ऊपर के चोले मंत्र है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, और उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्यों रो रहे हो, कि मेरी मोटरसाइकिल उठा दी, वो मोटरसाइकिल वो इतना खिलौना, उसको ओरिजिनल मान तो क्या, वो उसकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। ऐसी लड़कियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करती हैं, एक कपड़े का गुड्डा बना लेते थे दूल्हा, एक उसकी दुल्हन, और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से उनके सूट के सेट बना दिया करती थी सैकड़ों की संख्या में, और फिर उस इतने से कपड़े को जो उसने मोड़ तोड़ कर एक सूट का रूप बनाकर रखा हुआ था, अपनी गठड़ी बांध रखी थी, बक्से में रखी छोटे से, उसमें से उसके एक कपड़े ने कोई उठा ले टुकड़े ने, गिनती करती थी पहले, दास ने देखी छोटे छोटे, जब शिक्षा का इतना था नहीं, बच्चे इसी खेल से खेला करती बेटी बहने, तो वो रोया करती थी। फिर उससे पूछते थे क्यों रो रही है, कि मेरी तील मेरा एक सूट गायब हो गया, मेरा किसी ने उठा लिया इतना चिथड़ा था, कतरन थी एक। अब दुल्ला दुल्लन का खेल खेला करती थी ये दुल्ला या दुल्लन। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तब उसको पता चलता है वास्तविक दुल्हा और दुल्हन का। जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो खेल नहीं खेल सकती जो पहले खेला करती, छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डी के खेल को कभी उसकी रुचि ही नहीं बन सकती। तो इसी प्रकार आप जी जो आज तक खेल खेल रहे थे, संतानों उत्पत्ति, संपत्ति को संग्रह करना, बच्चों का विवाह करना, पढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना, फिर इनका विवाह कर देना, फिर इनके संतान की कामना करना, संतान हो जावे फिर हम वृद्ध हो गए, मृत्यु के निकट आ गए, हम बेसिक मर जावा, नो प्रॉब्लम। हमने ये सोच रखा था कि सुना सुनाया जैसे हम सुनते थे कि हमारा मनुष्य जीवन का काम पूरा होया। मनुष्य जीवन का तो शुरू भी ना करा आपने, ये तो एक जनसाधारण का काम करा दो, और जो आपको मिलना था कई हमने देखे पहले जब ज्ञान नहीं था, बुढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाया करते थे और कहा करते थे भाई, जैसे कोई बाहर का आ जाता था अतिथि, उसे कुशल मंगल पूछा करते थे, फिर संतान पूछा करते थे, वो बताता था कि दो लड़के दो लड़की, परमात्मा की दया से दो लड़के हुए दो लड़की हुई, उनका विवाह कर दिया, उनका भी देवता ज्योति होगी, पोते पोती होगी, मेरा काम पूरा होया, भगवान बेशक ठाले। बस इतना सा हमारा ये बुद्धि सीमित होगी थी, एक यू हमने लास्ट एंड फाइनल काम मान रखा था। तो अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तो शुरू भी ना करे आपने। तो पुण्यात्माओं, आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है
कि आप उस मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को भूल चुके हो और किसी में पिछले पुण्य कर्मों के संस्कार वश प्रेरणा है तो आप साधना गलत कर रहे हो, वो भी व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं वो भी गलत है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होगी, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि सब अपनी अपनी कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है, ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मुक्ति होगी, नहीं तो कर्मा के संस्कार में फंसे रहते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से एक विशेष जानकारी विस्तार से देता है, उसको सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी कहा जाता है, कबीर वाणी। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वो परमात्म तत्व के जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में उसका पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। इसे सिद्ध है कि जब तक वो तत्वदर्शी संत जिन ऋषि महर्षि या साधकों को नहीं मिला, उन्होंने जो साधना की वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया, और जिस कारण से उनको न तो परमात्मा प्राप्ति हुई और ना उनका कोई स्थाई स्थान प्राप्त हुआ, वो शाश्वत स्थान उनको नहीं मिल पाया। यहाँ का अंतिम लोक, अंतिम मोक्ष स्थल ब्रह्म लोक है और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इसका प्रमाण है। तो पुण्यात्माओं, ये वो एक नई यूनिवर्सिटी और जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई यहीं पढ़ाई जाएगी और यही प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अंतिम ऑपरेशन तक की यही किया आपका जाएगा, यानी अध्यात्म तरीके से। आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है, आपको आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो। आपको यहां बुलाने से आपको 5 यज्ञों का लाभ दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, एक जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत भी संवार दिया और बीज भी ओरिजिनल हो, यानी गेहूं का बोआ है तो गेहूं का ही हो और गेहूं का भी अच्छा बीज हो, मरे हुए दाने ना हो। बीज बीजने के बाद फिर उसमें और भी बहुत ऐसा प्रोसीजर है जो अनिवार्य है, समय आने पर उसकी सिंचाई, उसमें फिर खाद डालना, उसके अंदर से घास निकालना और उसकी सुरक्षा रखना, तब जाकर के वो फसल परिपक्व होती है, तब जाकर के वो दो दाने घर पर प्राप्त करता है किसान। पहले खर्च करता है अपने घर से खूब आंखें मीच के। जिस किसान के पास खुद अपने घर पर पैसा नहीं है, बीज भी नहीं है, उधार पैसे लेता है, बीज लाता है कि खेत में बीजता है, खाद भी अपना लोन लेकर डाल रहा है, उसको मालूम है कि आज मैं जो खर्च कर रहा हूं, उधार भी लेकर कर रहा हूं, एक दिन उवारे न्यारे कर देगा यह फसल अगर परिपक्व होगी तो। ठीक इसी प्रकार आप जी को स्थान मिला है जहां दान करना चाहिए, आप जी को वो मंत्र मिला है जिसका जाप करना चाहिए, इस प्रकार आपको तत्वदर्शी संत मिला है। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रे सादा।
यदि तेरे समझ में आ गया मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं, यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिलाते ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कति अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे है आपका, तो यहां कहते हैं समझा है तो सर धर पाओ, सिर पर पाँव रखना, इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सर धर पाओ कि कमर कस ले, अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी स्मारक में। समझा है तो सर धर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव, ये आपका दाव लग गया है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिचली पीढ़ी का समय, अब कसर ना छोड़ना इसमें। अब आपको यहां बुलाया जाता है जो इस ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सत्संग माने से, वो सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग समझ रहे हैं कि तो ऐसे बाद में देखेंगे वर्द हो जाएंगे जब, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी तो पालने हैं, ये लोक वेद हमारे दिमाग में घर करा हुआ है। तो जो यहां नहीं आते उनकी सोच तो वही है, तो उनकी सोच के उनके विचारों से आपने दुखी नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी कहें ये समझ लो बालक है छोटे छोटे, इनको पता नहीं। आपको वो व्यंग भी करते होंगे कि चल पड़ते हैं तीसरे दिन जाते हैं बुरवाला बुरवाला कर रहे हैं है? अपना बालक ना पाले जाते हैं है? देखना कुछ दिन में इनका विनाश हो जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। तो पुण्यात्मा उनकी बातों में ना आना, परमात्मा के विधान के अनुसार अपने आगे कदम बढ़ाना, फिर कुछ दिनों में देखना आपके घरों में इतने सुख होंगे, इतनी बरकत होगी, वो पड़ोसी जो नाम नहीं ले रहे वो देखा करेंगे झुक झुक के, ये ल्यावे कहां से हैं। अब पीछे हमारे भक्तों के साथ भी ऐसा ही यहाँ हरियाणा में होने लगा, कोई कहता ये तो वहां जाते हैं क्रोथा क्रोथा आश्रम था पहले और उस महाराज से पैसे लाते हैं तब इनके ठाठ हो रहे हैं, महाराज यहाँ मशीन ला रहा पीछे छापनगी मैं था भिखारी तुम्हारे पैसा बैठे हूं। तो दास का प्रोसेस परमात्मा का वो मार्ग है जिससे ये प्रफुल्लित होंगे, और ये काम भी करते ना दिखते, दसवें दिन सत्संग में जाते रहते हैं और इनके सारे ठाट हो गए, कार भी ले ली है मकान भी बढ़िया बना लिया, परमात्मा के नहीं कर सकता। अपने आत्मा विचार करना, अपना भगवान इतने सुना सुना था देखा नहीं था, और भगवान के गुण आपने सुने थे प्राप्त नहीं हुए थे, आपको यहां कदम कदम पर नो महसूस होगा यहां भगवान है परमात्मा, ये काम करा करे रात होने लग रहे हैं आपके घरों पर। तो आप जी को यहां बुला के आपको यहां अमृत पिलाया जाता है, आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाया जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है लड़का या लड़की गली में बच्चों के साथ खेल रहा होता है और वो तो इतना मस्त हो जाता है बच्चों में, उसने खाने पीने की भी परवाह नहीं होती, फिर माँ जाती है कि काफी देर होगी मेरे बच्चे ने आया नहीं, ना खाना खा गया ना दूध पी के गया, वह गली में जाती है उसको कहती है तू आ जा खाना खा ले दूध पी ले, वो नहीं आता है, वो तो मस्त है खेलने में, उसको उठाकर लाती है उसका हाथ पैर मुंह धो के उसको दूध पिलाती है, और वो दूध पीता पीता भी नहीं सोचा है कि एक बार छोड़ दे मां फिर भागू मैं, लेकिन वो नहीं छोड़ती है, उसको पेट भर के और फिर छोड़ देती है अगले तू खेला। इसी प्रकार आपको यहां बुलाया जाता है, ये आत्मा का आहार आपकी आत्मा को यहां खिलाया और पिलाया जाता है, फिर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाओ खेल आओ तुम और फिर आ जाओ थोड़ी अगले महीने। अब उस बच्चे को मालूम नहीं कि माँ इतना क्यों संघर्ष कर रही है, माँ को मालूम है ये अच्छा दूध पीवागा जल्दी बेटी या बेटा स्वस्थ रहेगा और जल्दी युवा हो जाएगा,
तो दास का यही प्रयत्न समझना, परमात्मा और गुरु एक ही समझना चाहिए, और उनके अंदर ये गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। माँ के गुण भी है भगवान में, तो इस प्रकार ये आत्मा के माता पिता हैं, शरीर के माता पिता अन्य होते हैं। तो पुण्य आत्माओं, सौभाग्य आपका, आप जिस को ये स्थान प्राप्त हुआ और आपको वो भगवान का यथार्थ मंत्र प्राप्त हुआ जिसे मोक्ष संभव है।